नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। विद्युत विभाग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, मुख्य अभियंता कार्यालय सहित वितरण केंद्रों का किया घेराव। 3 तारीख को कोवैक्सीन एवं 5 जुलाई को लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज, कृपया पहली डोज वाले न आवें। सोशल मीडिया में अमृती गांव को मिनी पाकिस्तान बताने वाले युवक पर दर्ज हुई FIR। खबरें अब विस्तार से। विद्युत विभाग के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, मुख्य अभियंता कार्यालय सहित जिले के विद्युत केंद्रों का किया घेराव। शहर की समस्याओं को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष व कार्यपालन यंत्री संजय सिंह के बीच हुई नोकझोंक। विद्युत विभाग की मनमानीपूर्ण कार्यवाही के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव करने के साथ ही जिले के सभी विद्युत वितरण केंद्रों में ब्लॉक अध्यक्षों व स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में घेराव कर हो रही अघोषित विद्युत कटौती, कोरोना काल व लॉकडाउन दौरान जारी हुए मनमाना बिजली बिल को निरस्त करते हुए 3 माह का विद्युत बिल माफ किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 फेज का विद्युत कम से कम 14 घंटे सप्लाई किए जाने, जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने व बिगड़े हुए ट्रांसफार्मर के दौरान जारी किए गए बिजली बिल को माफ किए जाने तथा मनमानी ढंग से बिजली कनेक्शन काटे जाने सहित स्थानीय विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मांग पत्र मुख्य अभियंता को सौंपा गया। मुख्य अभियंता कार्यालय में घेराव का नेतृत्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिवी नारायण शुक्ला भगत, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं पूर्व विधायक श्रीमती विद्यावती पटेल, डॉक्टर मुजीब खान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बबीता साकेत ने किया। इस दौरान विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर कांग्रेस जनों ने नारेबाजी की तथा विद्युत विभाग द्वारा जारी किए जा रहे मनमाने बिल व विद्युत कनेक्शन काटे जाने पर तत्काल रोक लगाने की बात कहते हुए तहसीलदार यतीश शुक्ला की उपस्थित में ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री की ओर मुख्य अभियंता का ध्यान आकृष्ट किए जाने हेतु अध्यक्ष ने शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर शिवराज सरकार व जिले में सो रहे भाजपा विधायकों व सांसदों को कोसते हुए कहा, कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने 100 रुपये यूनिट का बिजली बिल का लाभ सभी को दे रहे थे तब भाजपा के नेताओं के पेट में खूब पीड़ा होती थी और CM शिवराज सिंह विपक्ष के नाते जमकर दहाड़ लगाते कहते कि फिरते कि किसी माई के लाल में दम नहीं कि कोई विद्युत कनेक्शन काटे, यदि कोई कार्रवाई हुई तो शिवराज सिंह चौहान खड़े होकर लोगों की बिजली जुड़वाने का काम करेंगे। अब मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही मौन क्यों हो गए हैं? ये रीवा जिले ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता है जो बिजली विभाग की प्रताड़ना से त्रस्त है और उनसे पूछती है कि यदि शिवराज सिंह जी बिजली बिल के नाम पर लोगों का शोषण बंद नहीं किया गया तो अभी तो घेराव है, ये चेतावनी है, आगे बृहद आंदोलन होगा। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, मखदूम खान एवं वसीम राजा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज वैसे तो सारा देश और सारा प्रदेश जो है जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शोषण का बाजार गर्म है उससे इस देश और प्रदेश की आम जनता की कमर टूट गई है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, हर किसी का जीना दुर्बल हो गया है। अब इसी तमाम मुद्दों को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी सार, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, आदरणीय मंगू जी और भगत सिंह और सभी हमारे पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष रूप से आज जो बिजली की समस्या है उसके संबंध में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आज पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। आज बिजली का बिल माफ़ करने की सरकार ने कहा था, बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जा रहा। कोरोना काल में सारे धंधे बंद थे, उस समय का भी बिल लिया जा रहा, मनमानी तरीके से बिलिंग हो रही है, मीटर रीडिंग हो नहीं रही है, अघोषित कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, बदले नहीं जाते हैं। आप सोचिए उस किसान को जिसने फसल डाल दिया खेत में और ट्रांसफार्मर जला हुआ है, एक एक हफ्ते 15-15 दिन अगर ट्रांसफार्मर नहीं सुधारा गया, उनके खेत को पानी नहीं मिला तो किसान तो बर्बाद हो गया। गरीबों को तो तकलीफ होती है लेकिन किसान बर्बाद हो गया। अगर किसान बर्बाद हुआ तो सबके ऊपर आता है, तो सब गरीबों के ऊपर संकट है। इसलिए विशेष रूप से बिजली की समस्या को लेकर के हम लोग आए हैं कि अधिकारी अपनी मनमानी जो कर रहे हैं
और ये पूंजीपतियों के इशारे पर कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि चेत ले, ये हिंदुस्तान की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, इनको हितों की भलाई करे। ये जनता ही किसी भी प्रदेश और देश की ताकत होती है, पूंजी होती है। प्रदेश लेवल का हाँ, नहीं जिले, जिले, जिले का। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए मध्य प्रदेश शासन एवं प्रशासन द्वारा महावैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते अधिकाधिक लोगों को वैक्सीनेट कराए जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है, जिसके चलते प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निरंतर टीकाकरण हेतु प्रयासरत है। हम आपको बता दें कि महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को उत्साहित एवं प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को देश में मॉडल राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। हम आपको बता दें कि कोरोना के कम होते प्रभाव तथा तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु काफी प्रचार प्रसार भी किया गया। वहीं अब टीकाकरण केंद्रों पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजेट्टी के द्वारा जिले की जनता से अपील की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 5,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के महाअभियान के चलते 3 जुलाई एवं 5 जुलाई को टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें 3 तारीख को कोवैक्सीन की दूसरी डोज एवं 5 तारीख को कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इस दोनों तिथियों के दौरान किसी भी टीके की पहली डोज नहीं लगाई जाएगी। टीकाकरण केंद्रों में वही लोग आए जिनको दूसरी डोज लगना है। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा से की गई अपील के अंदर। रीवा में टीकाकरण महाअभियान निरंतर चलाया जा रहा है। अभी तक है ना, हम लोगों ने 5,00,000 का अधिक लोगों का है ना टीकाकरण कर चुके हैं। उसी संदर्भ में कल यानी है ना 3 जुलाई 2021 शनिवार का दिन पे एक विशेष अभियान दूसरी डोज के लिए चलाया जा रहा है। कोवैक्सीन का कितने भी लोगों के ना दूसरी डोज को लगाना है, कल उनके लिए मतलब है ना व्यवस्था है ना की गई है। हमारी है ना कितने भी है ना वैक्सीनेशन केंद्र हैं, उधर 4 जून के पहले कितने भी लोगों ने कोवैक्सीन का पहले डोज है ना डाले गए हैं, उनका है ना ड्यू डेट अभी है ना आ जाएगा, उनके लिए कल दूसरी डोज को व्यवस्था है ना की गई है। सो सिर्फ है ना वही लोग कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाना है, मतलब 4 जून के पहले है ना पहला डोज है ना लगा चुके हैं, सो उन वो सिर्फ है ना वैक्सीनेशन केंद्र में आए और अपना है ना दूसरी डोज का है ना मतलब लाभ है ना प्राप्त करें। इसके साथ साथ सोमवार को यानी है ना 5 तारीख को कोविशील्ड का है ना दूसरी डोज के है ना व्यवस्था है ना किया गया है। सो कितने भी वैक्सीन केंद्र हैं वहाँ इसके पहले प्रथम डोज है ना प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं लोगों के लिए सेकेंड डोज कोविशील्ड का है वो टीकाकरण केंद्र के माध्यम से ना लगाया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि 3 और 5 तारीख को सिर्फ है ना दूसरी डोज को लोगों का क्रमता 3 तारीख को कोवैक्सीन का है, 5 तारीख को कोविशील्ड का है ना दूसरी डोज के ना वैक्सीनेशन होगा। सो इसलिए प्रथम डोज के ना कोई भी नागरिक है ना वैक्सीनेशन केंद्र में ना पहुँचे, उनके लिए आगे प्रथम डोज किसी को भी है ना पहली डोज लगाना है उनके लिए आगे व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि सभी विदित है टीकाकरण अभियान लगातार चल रही है, बट इसमें हम लोग कितने डोजेस है ना हर वैक्सीनेशन केंद्र में दे रहे हैं उससे ज़्यादा लोग भी आ रखे हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए लोगों की है ना कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हर वैक्सीनेशन केंद्र में टोकन है ना वितरण करने के लिए व्यवस्था है ना किया गया है। सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि सभी लोग लाइन में लगते हुए एक पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से टोकन ना प्राप्त करें और टोकन के माध्यम से ही लोगों को है ना टीकाकरण है ना लगाया जाएगा। इसलिए वापस लोगों से अपील करता हूँ, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी है ना ANM और टीकाकरण की टीम है उनको है ना सहयोग करें, लाइन में लगाएं, टोकन प्राप्त करने के बाद टोकन अनुसार ही है ना टीकाकरण कराएं। रीवा में अमिरती गाँव के एक शख्स ने गाँव को मिनी पाकिस्तान बताकर भड़काऊ पोस्ट फेसबुक में लगाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी। ये कुछ महीने पहले ही खाड़ी देश से वापस आया था। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी तलाश की जा रही है।
हम आपको बता दें कि रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत अमिरती गांव को मिनी पाकिस्तान बताकर अफसर खान नामक शख्स ने फेसबुक में पोस्ट डाल दी। इस पोस्ट के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आ गई और साइबर सेल उसके गिरेबान तक पहुंच गई। इस मामले में सिविल लाइन थाना में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमिरती गांव को मिनी पाकिस्तान कहने वाला अफसर खान नामक व्यक्ति अमिरती गांव का ही रहने वाला है। इसने फेसबुक पर गुड़ थाना क्षेत्र के अमिरती गांव को छोटा पाकिस्तान लिखा था। युवक सऊदी अरब के ओमान में रहता है और कुछ महीने पहले ही यहां वापस घर आया था, जिसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में अपराध दर्ज कर गुड़ थाना को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस पोस्ट के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिविल लाइन रीवा ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये अफसर खान नाम का युवक है मिल्की का, जिसके द्वारा मिल्की को छोटा पाकिस्तान कह करके एक अलगाव देश में अलगाववाद की भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कि धर्म संप्रदाय में आपसी रंजिश हो, जिस पर से उसके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 153 खा और 67 आईटी एक्ट के तहत। चूँकि 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, अतः नोटिस देकर उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज 2016 बैच के छात्रों ने महाविद्यालय परिवार के सहयोग से कॉलेज परिसर में अपने बिछड़े साथी डॉक्टर रौनक भंडारी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रौनक उपवन की स्थापना की है, जिनकी मौत सिलपरा नहर में डूबने की वजह से हुई थी। डॉक्टर भंडारी की रुचि को मूर्ति रूप देने का प्रयास इन छात्रों ने किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। हम आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के सहयोग से छात्रों ने अपने बिछड़े साथी की याद में रौनक उपवन स्थापित किया है। कॉलेज में 2016 बैच के छात्रों ने कॉलेज परिसर में ही बिछड़े साथी डॉक्टर रौनक भंडारी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रौनक उपवन तैयार किया है। डॉक्टर रौनक की स्मृति को संजोने के लिए शिक्षकों और परिवार के लोगों ने काफ़ी सराहना की है। अंतिम वर्ष के छात्र डॉक्टर रौनक भंडारी पेपर समाप्त होने के दूसरे दिन 6 मई को सिलपरा नहर अपने साथियों के साथ घूमने गए थे, जहां पर उनकी नहर में डूबने से मौत हो गई थी। खरगोन निवासी रौनक की स्मृति में मेडिकल कॉलेज के सामने ये वाटिका तैयार की गई है, जिससे उनके साथियों के दिलों में हमेशा उनकी याद ताज़ा रह सके। रौनक को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए उसकी याद में ये उपवन बनाया गया है, जो एक तरह से उसके व्यक्तित्व की एक झलक है। उसकी यादें हमेशा इससे ताज़ा रहेंगी, इसी उद्देश्य को लेकर इसको तैयार कराया गया है। डॉक्टर रौनक एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, अपने साथियों के साथ काफ़ी मिलनसार था, यही वजह है कि उसके जाने का दुख इन्हें बहुत है। रौनक उपवन का अनावरण खरगोन से आए उनके परिजनों से कराया गया था। इस उपवन में आम, चीकू, आम्रपाली सहित कई तरह के फल एवं फूलों के पौधों को लगाया गया है। आइए सुनते हैं सहपाठी छात्र आस्था धवन एवं शिवानी से प्राप्त जानकारी के अंदर। आपको किस उद्देश्य को लेकर बनवाया है, किसके नाम पर? ये हमारा बहुत ही प्रिय मित्र, हमारा बैचमेट डॉक्टर रौनक भंडारी, उसकी स्मृति में बनवाया गया है। अभी मई के महीने में 6 तारीख को उसकी एक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी, और हम सब के प्रेम और हमारे यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, उसका प्रतीक है ये हमारा रौनक उपवन, डॉक्टर रौनक भंडारी की याद में बनाया हुआ। इसमें तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं, हमने आम्रपाली के और फलदार और इस तरह के वृक्ष लगाए गए, क्योंकि वो जो रौनक के व्यक्तित्व की एक झलक है बेसिकली, ये हमारे दोस्त की याद में। वो नेचर को पसंद करने वाला और हर तरह से इकोसिस्टम के साथ रहने वाला है, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम सब ने इतने वृक्ष लगाकर और उसकी यादों को हमेशा के लिए जीवित रखे। नाम पे है ये? जी, ये हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर रौनक भंडारी के नाम पर और उनकी स्मृति को लेकर बनाया है हमने। वो शायद हम सबका इतना अच्छा मित्र था, उसका स्वभाव इतना अच्छा था, उसके सारे टीचर्स के साथ, सारे डॉक्टर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशंस थे कि हम उसका खोना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो भी एक्सीडेंटली। तो इसलिए हमने बस उसको एक याद के रूप में और हमेशा जीवित रखने के लिए ये उपवन बनवाया है, और हम आशा करते हैं कि हम इस उपवन में हमेशा अच्छे से देख रेख से रखेंगे, जिसमें कि हम उसकी यादों को हमेशा सहेज सकें और उसको हमेशा याद रख सकें, और अपने जो जूनियर्स हैं उन सबको ये मैसेज दे सकें कि कभी भी
ऐसे नहीं जाना चाहिए जिसमें कि हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़े। मतलब वो बेसिकली एक पिकनिक के लिए गया हुआ था जिसमें एक्सीडेंटली उसकी मृत्यु हो गई थी, और हम बस अपने जूनियर्स को सतर्क करने के लिए और इस उपबन को एक स्मृति के रूप में याद रखने के लिए, अपने बैचमेट को हमेशा ध्यान रखने के लिए उपबन। इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में पार्क न बनाए जाने हेतु NSUI ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम से आयुक्त रीवा को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 एकड़ खाली पड़ी भूमि पर वन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ लेकर उक्त भूमि पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि एक बार पुनः अधिग्रहित की जा रही है। इससे पहले भी माखनलाल चतुर्वेदी की शाखा की बिल्डिंग बनाने व कोर्ट भवन बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। भविष्य में यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की अन्य शाखाएं स्थापित करना हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इतनी भूमि शेष नहीं बची होगी कि वो अपने ही महाविद्यालय की अन्य शाखा अपनी भूमि पर खोल सके। अगर इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि को अधिग्रहित किया जाता रहा तो रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय का गौरव समाप्त हो जाएगा। इसी के चलते NSUI के द्वारा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए व इंजीनियरिंग कॉलेज के भविष्य को देखते हुए वन विभाग को पार्क के नाम पर महाविद्यालय की भूमि को अधिग्रहित किए जाने से रोका जाए। महाविद्यालय की शेष बची भूमि के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे महाविद्यालय के अलावा अन्य कोई भी भूमि को अधिग्रहित न कर सके। प्रस्तुत है इस संबंध में शुभम सिंह चंदेल NSUI के नेता से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हम यहाँ NSUI के सभी पदाधिकारी कमिश्नर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व कोर्ट परिसर के लिए भी ज़मीन को अधिग्रहण किया गया था, लेकिन किन्हीं वजह से उसको डिले, फिर उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी के मामले को बीच में लाया गया। विश्वविद्यालय के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन को अधिग्रहित किया जा रहा। लगातार हम ये जानना चाहते हैं कि लगातार इंजीनियरिंग कॉलेज को निशाना क्यों बनाया जा रहा। आज आप देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी 8 एकड़ भूमि पार्क के लिए अधिग्रहण की जा रही। मैं आदरणीय अभी बिन दैनिक जागरण पेपर में मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था वन विभाग के अधिकारियों का। उनमें स्टेटमेंट में था कि राजेंद्र शुक्ला जी के इशारे पे उस भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा। मैं आदरणीय मीडिया के माध्यम से आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनके निगाह में इंजीनियरिंग कॉलेज ही क्यों है। आखिर आज इंजीनियरिंग कॉलेज का भविष्य एकदम गर्दल में है। आज हम आप सबसे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज एक बिंद का गौरव है। हमारे रीवा ज़िले का एक शासकीय एकमात्र लौता इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको हमें बचाना चाहिए, ना कि उसके पीछे हमको पूरे अधिकारी लगा के कभी वन विभाग, कभी कोर्ट, कभी विश्वविद्यालय के नाम पर लूट खसोट बंद की जाए। यही हमारा आप सबसे निवेदन। ये आज हम सब यहाँ पे आदरणीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, उनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारा नाम शुभम सिंह चंदेल है, NSUI के छात्र। वृद्ध का हाथ पांव काटकर फेंका खेत में, कहा ददुआ गैंग के हैं हम सदस्य, गर्दन काटकर ले जाएंगे। पीड़ित ने SP कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। मामला बैकुंठपुर थाने का है। कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बगड़ा पिढ़ियान निवासी एक वृद्ध व्यक्ति को कुछ स्थानीय सरहंगों ने मारकर उसी के खेत में फेंक दिया। जानकारी मिलने पर मरणासन्न अवस्था में वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान परिवार के द्वारा बैकुंठपुर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित परिवार घटना की शिकायत करने फरियाद लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। घटना के संबंध में पीड़ित वेद प्रकाश गर्ग ने बताया कि 1 जून को आरोपियों ने जमीन को लेकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और ये धमकी देकर चले गए कि यदि बात नहीं मानी तो गर्दन काट कर ले जाएंगे। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों में विक्रम सिंह उर्फ गिरजा सिंह, चंदू व धूमन निवासी मझियार भी शामिल थे। पीड़ित का आरोप है कि घटना की नामजद शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि आरोपियों ने उसके दोनों हाथों की उंगलियां काट दी हैं। फायर में धारदार हथियार से हमला किया और आज भी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। संबंधित थाने में कार्रवाई न होने के बाद पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना क्या हुई? हमारे साथ 30 तारीख को थोड़ा वारदात हुई थी।
तो जो चंदू सिंह थे तो वे बोले कि मैं ददुआ गैंग का हूँ, मैं सिर भी कटवा लेता हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ सिर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आदमी पास पड़ोसी है, मेल छोल से रहना चाहिए। फिर इसके बाद एक तारीख को मेरा ऐसा हालत हुई कि मेरे को मार के फेंक दिए, मेरी आहरी थी वहीं पास में, वहीं लेटा था। तो आ करके दाब लिए तीन चार आदमी, और दाब करके और मारे, मोड़ में चोट लगी हुई है, हाथ में चोट लगी है, अंगुली कटी हुई है, मैं बेहोश हो गया हूँ। इसके बाद वो छोड़ के चले गए, बोले कि मर गया, ये जाने दो। कौन थे मारपीट करने? मारपीट में गिरजा सिंह थे, चंदू सिंह थे, दादूमन सिंह थे और वगैरह। थाने में रिपोर्ट किया आपने? जी सर, थाने में रिपोर्ट किए, नामजद रिपोर्ट किया हूँ। उसमें कुछ कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। क्या कह रहे थाना प्रभारी? थाना प्रभारी बोलते हैं कि संदिग्ध में है, लोकेशन ले रहे हैं, लोकेशन नामजद नहीं है, रिपोर्ट सब पैसा उस पार्टी से खा खा के शांति में बैठे हैं। कब की घटना है ये? एक जून। और ये ददुआ गैंग को ना जिसकी बात आप कर रहे थे, ये चंदू सिंह। अभी आपने बताया ददुआ गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये कौन है ददुआ गैंग वाले? ददुआ गैंग वाले बोल रहे थे कि मैं ददुआ गैंग का हूँ, मैं सिर भी कटवा लेता हूँ। नाम बता दो उनका। मेरा वेद प्रकाश गर्ग। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।